हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सिक्स चैप्टर थ्री प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 9 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 9 सेज राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम. ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, हमें 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने का है. कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअसली हमें 7 कॉम्पोजिट नंबर्स लिखना पड़ेगा, बीच में प्राइम नंबर्स नहीं आने का है. वो 100 का बिफोर नंबर लेने का है, लेस देन 100 बोला हुआ है. लेस देन 100 मीन्स बिफोर 100 हमें 7 कंटिन्यूस कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स को लिखना है अभी. ओके, ये हमारा मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन है. सो कंटिन्यूस 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स 90 से चालू होती है. इधर मैं 90 लिख दिया है, 90 कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 90 नंबर्स को मोर देन टू फैक्टर्स है. वन टेबल में जाती है, टू टेबल में जाती है, थ्री टेबल में जाती है, 10 टेबल में जाती है. मोर देन टू फैक्टर्स है 90 के लिए, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर्स है. 91 भी कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 7 3 21 है, 2 कैरी ओवर है. 7 1 7 प्लस 2 9 91. सो ये 91 7 टेबल में भी जाती है, 13 टेबल में जाती है, 1 टेबल में जाती है, 91 टेबल में जाती है. सो ये कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर. ओके, सो नेक्स्ट 92 एक इवन नंबर है इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर ही है, इसको मोर देन टू फैक्टर्स है. नेक्स्ट 93 को डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो 9 + 3 = 12 होती है. ओके, 12 3 में डिवाइड होता है, 3 1 3 3 4 12 होता है. सो 93 को भी मोर देन टू फैक्टर्स है इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है. नेक्स्ट 94 लास्ट डिजिट 4 है एंड 94 इवन नंबर है इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है. नेक्स्ट 95 लास्ट डिजिट 5 है, ये 5 टेबल में भी जाती है इसलिए 95 नंबर को मोर देन टू फैक्टर्स मिलती है, कॉम्पोजिट नंबर है 95 नंबर भी. नेक्स्ट 96 एक इवन नंबर है इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है, 96 नंबर को मोर देन टू फैक्टर्स मिलती है. नेक्स्ट 97 जो है ना प्राइम नंबर है. ओके, अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने का था. इधर लिखा है हम लोग कंटिन्यूस 7 कॉम्पोजिट नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, बीच में प्राइम नंबर आ गया. ओके, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताती हूँ. नेक्स्ट 98 नंबर आती है. ओके, 98 जो है ना इवन नंबर है, इवन नंबर्स के लिए मोर देन टू फैक्टर्स है, एक कॉम्पोजिट नंबर है. ओके, नेक्स्ट 99 है, 99 के लिए भी मोर देन टू फैक्टर्स है क्योंकि ये 11 टेबल में जाती है, 9 टेबल में जाती है, 1 टेबल में जाती है, 99 टेबल में जाती है, कॉम्पोजिट नंबर है. नेक्स्ट 100 भी कॉम्पोजिट नंबर ही है, लेकिन ये तीनों को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि कंटिन्यूस 7 कॉम्पोजिट नंबर बोला हुआ था. इधर हमें 7 कंटिन्यूस कॉम्पोजिट नंबर मिल गया है. ओके, बीच में ये प्राइम नंबर आ गया. ओके, क्वेश्चन इतना ही था. इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओवरऑल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.